कंपाउंड इंटरेस्ट के कुछ एग्जांपल्स करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। कमला बोरोड रुपीज 26,400 फ्रॉम ए बैंक टू बाय ए स्कूटर एट ए रेट ऑफ 15% पर एनम कंपाउंडेड ईयरली। What amount will she pay at the end of 2 years and 4 months to clear the loan? अब हमें सेकेंड क्वेश्चन में ये बोला गया है कि कमला ने बैंक से 26,400 रुपीस बोरो किया है, मतलब हमारा जो प्रिंसिपल है वो है 26,400। अब इसपे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट लगा है वो है 15% पर एनम कंपाउंडेड ईयरली। अब हमें ये बोला गया है कि उसको टाइम दिया गया है 2 years 4 months, मतलब वो 2 years और 4 months के बाद वो पैसे वापस लौटाएगी। तो टाइम हमें दिया हुआ है 2 years 4 months। अब यहां पर तो हमें जो टाइम है वो फ्रैक्शन में दे दिया गया है, तो हम इसको कैसे करेंगे? तो उसका बड़ा सिंपल तरीका है दोस्तों, कि इसको आसान करने के लिए हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे कि हम पहले 2 साल के लिए अमाउंट निकाल लेंगे यूजिंग कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर्मूला। फिर उसके बाद जो हमारा अमाउंट आएगा वो तो हमारा प्रिंसिपल बन जाएगा नेक्स्ट 4 मंथ्स के लिए। तो हम क्या करेंगे, हम सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा देंगे। वो अब कंपाउंड इंटरेस्ट में हम सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्यों लगाएंगे? तो दोस्तों इसका बड़ा सिंपल सा रीजन ये है कि अभी जो हमारा 2 साल के बाद अमाउंट आने वाला है वो असल में हमारे अगले साल के लिए प्रिंसिपल बन जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम सिंपल इंटरेस्ट में हमारे इस वाले प्रिंसिपल के बजाय और वो जो अमाउंट प्रिंसिपल में बदल गया उस वाले प्रिंसिपल को अगर हम सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूला में लगाएंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। तो इसी तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए सॉल्व करते हैं। अब यहां पर इसको हम 2 भाग में बांट देंगे, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि हम पहले तो 2 सालों का निकालेंगे प्लस अब जो 4 मंथ्स होता है वो असल में होता है 1/3 ऑफ ईयर, मतलब 1/3 ईयर। तो पहले 2 साल का, फिर उसके बाद 1/3 ऑफ ईयर का। अब सबसे पहले तो हम पहले के 2 सालों के लिए निकाल देंगे, तो उसका मतलब हो जाएगा अमाउंट 1 फॉर 2 ईयर्स इज इक्वल्स टू पहले तो प्रिंसिपल 1 + R/100 टू दी पावर टी। अब यहां पर हमारा प्रिंसिपल है 26,400 इंटू 1 + हमारा आर है 15/100 टू दी पावर 2। अब ये हो जाएगा 26,400 इंटू 115/100 इंटू 115/100। अब यहां पर 0 से 0 काट देंगे, उसका ये हो जाएगा 50, ये हो जाएगा 132, इसको और काटेंगे ये हो जाएगा 25 और फिर ये हो जाएगा 66। अब यहां पर हम 25 और 115 को 5 से काटेंगे जो हमें देगा 5 और फिर 5 × 2 = 10, 5 × 3 = 15। अब यहां पर एक और 5 बच गया तो उसको हम 115 से वापस काट देते हैं तो वो हो जाएगा वापस 23। तो अब इसका मतलब हो जाएगा 66 × 23 × 23। अब हमारा जो अमाउंट निकलेगा वो हो जाएगा 66 × 23 × 23। अब 23 × 23 होता है 529 और 529 × 66 होता है 34914। तो ये तो हमारा निकल गया पहले 2 साल के लिए अमाउंट। अब ये जो अमाउंट है हमारे अगले 4 महीनों के लिए प्रिंसिपल बन जाएगा। तो अब हम सिंपल इंटरेस्ट में प्रिंसिपल की जगह पर ये अमाउंट डाल सकते हैं जिससे हमें अगले 4 महीनों के लिए इंटरेस्ट निकाल पाएंगे। तो चलिए निकालते हैं। तो हमारा SI हो जाएगा SI फॉर 1/3 ईयर, वो हो जाएगा
पी आर टी अपॉन 100 जो होगा 34914 इंटू हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट है 15% इंटू अब हम टाइम को 4 मंथ्स दे रहे हैं। अब 4 मंथ्स जो होता है वो असल में 1/3 ऑफ ईयर होता है, तो हम लिखेंगे 1/3 अपॉन 100 मतलब अपॉन 100 इंटू 3। अब यहां पर हम 3 फाइव से कर देंगे, यहां पर भी हम 520। अब इधर भी हम काटेंगे तो हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 2 1 7 4 5 7। तो ये हो गया 17457/10 मतलब 1745.7। तो ये हो गया हमारा नेक्स्ट 4 महीनों के लिए इंटरेस्ट। अब हमारा जो अमाउंट होगा वो क्या होगा, वो हो जाएगा दिस इंटरेस्ट प्लस दिस अमाउंट, मतलब कि पहले के 2 सालों का अमाउंट प्लस जो इंटरेस्ट उस पे 4 महीनों का एक्स्ट्रा लगा। तो हमारा टोटल अमाउंट आ जाएगा 34914 प्लस 17457 विच इज इक्वल्स टू 0.79566 36,659.7। तो कमला को 36,659.7 रुपीस बैंक को 2 साल 4 महीनों के बाद लौटाना होगा। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया।